हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रोजी गैलान फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनआईटी फरीदाबाद। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक्स पावर ऑफ ए लेंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द चैप्टर। नाउ द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। पावर पी। नाउ मैथमेटिकली पावर इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड द यूनिट ऑफ पावर इज डाइऑप्टर एंड 1 डाइऑप्टर इज इक्वल टू 1 बाय मीटर। इट मीन्स फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। 1 डाइऑप्टर इज इक्वल टू पर मीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगर हमें एक लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और हमें उस लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? पावर पी इज इक्वल टू 1/f मीटर। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ हमें हमारे पास मीटर में होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। इट मींस फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ पावर पी इज इक्वल टू 1/10 मीटर मींस 0.1 डाइऑप्टर। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये नोट करना है कि जो फोकल लेंथ है हमारा वो क्या होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम पावर को फाइंड आउट करेंगे। अब पावर का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन आता है? पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर हम यहां से देखें, पावर पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। पावर टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ रेज ऑफ लाइट, कि कोई भी लेंस कितनी डिग्री तक किसी रेज ऑफ लाइट को किसी जगह पर इकट्ठा कर सकता है या उनको फैला सकता है। उस डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को उस लेंस की क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अच्छा, अब अगर हमें ये दे रखा है, इफ ए लेंस हैज ए पावर ऑफ +2 डाइऑप्टर, अगर एक लेंस की पावर +2 डाइऑप्टर है, देन आइडेंटिफाई द लेंस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लेंस कौन सा है? तो उसको देखते हैं हम सबसे पहले, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस में क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, अब ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ जो है वो राइट साइड में, फोकस जो है वो राइट में है, तो फोकल लेंथ कहाँ है? राइट में। और कनकेव के केस में, ये बातें हमें ध्यान रखनी है, कनकेव के केस में जो फोकल लेंथ है वो कहाँ है? लेफ्ट में। ये फोकस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। यानी कि अगर एफ को मेजर करना है, एफ की डायरेक्शन यहां ले, कन्वेक्स के केस में एफ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और कनकेव के केस में एफ क्या होगा? नेगेटिव। अब इन दोनों से ही हमें पता लगेगा कि पावर अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, और पावर अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है पी इज इक्वल टू +2 डाइऑप्टर, पी 2 डाइऑप्टर दिया है और हमें बताना है कि लेंस कौन सा है। अब यहां देखो पी क्या है, पी इज इक्वल टू 1/f, और पी पॉजिटिव कब होगा? जब एफ पॉजिटिव होगा। अगर एफ पॉजिटिव है तो ही पी पॉजिटिव है। इट मींस +2 डाइऑप्टर मतलब कि एफ इज पॉजिटिव, यानी कि लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स। अगर यही क्वेश्चन में वो आपको कहे पावर इज -2.5d या -2d,
तो उस केस में लेंस क्या होगा, अब यहाँ देखें P इज इक्वल टू नेगेटिव, और P नेगेटिव कब होगा, जब F नेगेटिव होगा, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। अब F नेगेटिव होगा, और F नेगेटिव किसके केस में होता है, कंकेव लेंस के केस में। तो यहाँ हम इजिली बता सकते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस होगा, और अगर पावर नेगेटिव है तो कंकेव लेंस होगा। सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, टू लेंसेज ऑफ पावर 3.5 डायोप्टर एंड -1.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, व्हाट इज द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या गिवन है, दो लेंसेज हैं जिनकी पावर है P1 इज इक्वल टू +3.5 डायोप्टर एंड P2 इज इक्वल टू -1.5 डायोप्टर। Now what is the power of combination? Power of combination P is equal to P1 plus P2 is equal to +3.5 plus -1.5 B. This is equal to 2.0 diopter. This is the power of combination of the lenses. 2.5 diopter. Sorry, this is the power of combination, that is 2.0 diopter. Now what is the focal length of the combination? Focal length, as we know that focal length F is equal to 1 by P. It means this is equal to 1 by 2 and this is 0.5 meter. The focal length of the combination is 0.5 meter. Now the next numerical is, a lens has a focal length of +10 cm. Calculate its power and what is its nature. We have given a lens having focal length +10 cm. Now we have to calculate its power. As we know that power is reciprocal of the focal length and focal length should be in meter. Now first convert this focal length centimeter into meter, that is equal to 10 divided by 100 means 1 by 10 meter. Hence power P is equal to 10 diopter. Power P is equal to +10 diopter. Calculate its power. Power हमने निकाल ली ना, what is its nature? अब इसका नेचर क्या है, अगर हम पावर को पॉजिटिव फाइंड आउट करते हैं तो इट मीन्स जो लेंस है उसकी नेचर क्या है। फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव है, और अगर हम याद करें तो कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। F is पॉजिटिव मीन्स लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स, और जो कन्वेक्स लेंस है उसकी नेचर होती है कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो जो नेचर है लेंस का वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, बिकॉज ये क्या करेगा कि जो रेज ऑफ लाइट है उन सबको किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कन्वेक्स लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, और उस इमेज की मैग्निफिकेशन क्या है, -1 है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और जो लेंस है उससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या है, 20 cm है। तो कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा हमें, 20 cm। उसके अलावा क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -1। नाउ वी हैव टू फाइंड द पावर, p इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमें गिवन नहीं है, और फोकल लेंथ गिवन नहीं है तो फोकल लेंथ इट मींस हमें फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड इन दिस न्यूमेरिकल u इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ u इज -20 cm। u तो गिवन है बट v हमारे पास नहीं है, v की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। अब यहां से देखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो v/u, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u, और यहां से v क्या आ जाएगा, v इक्वल टू m इंटू यू, इट मीन्स -1 इंटू यू कितना है, -20,
तो ये क्या आ गया +20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास +20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के इधर -20 सेंटीमीटर पे है और इमेज कहाँ बनेगी इस तरफ। तो ये वैल्यूज आ गई, फाइंड आउट क्या करना है f, f से क्या निकलेगी फिर पावर। तो इन वैल्यूज को लेंस फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20 -20। तो ये बन गया 1/20 +1/20 यानी कि 1/10। तो फोकल लेंथ आ गई 1/f इजिकल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज किस में है सेंटीमीटर में है। अब पावर फाइंड आउट करना है, अब पावर फाइंड आउट करना है, पावर p इज इक्वल टू 1/f इज 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, दिस इज इक्वल टू 100/10 एंड दिस इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। तो पावर ऑफ ए लेंस इज 10 डायोप्टर। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम आल्सो। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, सबसे पहले कनकेव लेंस है और उस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। वो जो उस लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके साथ साथ रे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। लिखा है कि एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया कनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इट मींस अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को ये ड्रॉ कर लें तो कनकेव लेंस में जो रेज ऑफ लाइट है वो इधर आके मिलती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग क्या गिवन है, द इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ है 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है। इट मींस अगर यहां देखें ये डिस्टेंस को 10 मान लें तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर साइन कन्वेंशन को देखें इसके अकॉर्डिंग तो फोकल लेंथ 15 यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में मूव करेंगे तो जो डिस्टेंसेज होंगे वो नेगेटिव होंगे, ऐसे ही इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी के ऊपर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है u। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज लेंस फार्मूला एंड अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या है -10 -1/10 -u 1/u इज इक्वल टू -15। u को इस साइड ले आओ इसको इधर ले आते हैं तो ये आ गया 1/u इज इक्वल टू, अगर इनकी साइड चेंज करें तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/15 -1/10। 30 एलसीएम आ गया 2 -3। तो 1/u इज इक्वल टू -1/3, 1/u इज इक्वल टू -1/30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई, यहां से u क्या आ गया फिर, इट मींस u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसने कहा कि
इसके लिए सेम ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इसके लिए एक रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम कोई भी दो रूल देख लें और किसी भी दो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम दो रेज ऑफ लाइट को ड्रॉ करें और वो रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर कट करें या ऐसा लगे कि कट करती हुई प्रतीत हो, इन दैट केस वो जो इमेज है उसी पॉइंट के ऊपर बनेगी। तो सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो पहले रूल के अकॉर्डिंग कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल जाएगी वो रे ऑफ लाइट कहां से होके गुजरेगी, फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट ये आ गई। दूसरा है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके गुजरेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो क्या है, स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ कर ली, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो ये क्या होगा, सीधी चली जाएगी। यानी कि ये दोनों रेज अगर देखें किसी इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करेंगी और इस पॉइंट पे कट करेंगी तो इमेज कहां बनेगी, तो ये क्या हो गया इस गिवन कंडीशंस के लिए क्या है, ये रे डायग्राम। Now the next question is a 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 cm. The distance of the object from the lens is 30 cm. Find the position, nature and size of image formed. अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है, एक 5 cm ऑब्जेक्ट है, टॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो 5 cm है और वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। तो जो जो कंडीशन हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, 5 cm हाइट है ऑब्जेक्ट की, इट मीन्स एच क्या है, 5 cm। सेकेंड है फोकल लेंथ दे रखी है उस कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ कितनी है, 20 cm। तो कन्वेक्स लेंस में रेज ऑफ लाइट क्या करती है, कन्वर्स करती है और वो कहां मीट करती है, राइट साइड में आके मीट करती है। तो ये होगी इसकी फोकल लेंथ 20 cm। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 cm। जो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना है, 30 cm है। और फाइंड आउट करनी है हमें पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है उनको देखते हैं। एच दे रखा है 5 cm क्योंकि एच प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एच क्या होगा, +5। नेक्स्ट हमें जो गिवन है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव, -30 cm। वी क्या है, वी ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है, तो जो भी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर के राइट में होते हैं वो क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया +20 cm। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, सॉरी एंड एफ इज इक्वल टू 20 cm है। अब एफ क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के राइट में है तो एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू +20 cm। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला (1/v) - (1/u) = (1/f). अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहां से 1/v = क्या आ जाएगा, u क्या है, -30, तो हमने वैल्यू रख दी -30, प्लस f क्या है, +20, दिस इज इक्वल टू +20। अब एलसीएम ले लिया तो यहां से आ गया 1/v = 60, एलसीएम आ गया -2 + 3 एंड 1/v = 1/60, मीन्स (v = +60 cm). तो जो v की वैल्यू आई वो क्या है, +60 cm है, यानी कि इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं।
इस साइड आके और प्लस 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लें तो यहाँ आगे बढ़ा के बना देख लें, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो राइट साइड में इमेज बनी। सेकंड है, अब यहाँ से पोजीशन तो हमें पता लगी कि जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से दूर बनेगी। दूसरा है नेचर कैसा होगा इमेज का और साइज कैसा होगा। अब कन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम देखें, अगर जितनी भी इमेज कन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम देखें तो दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल भी और वर्चुअल भी। वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज हमेशा उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अब क्योंकि इमेज बन रही है दूसरी तरफ तो इट मीन्स इमेज की जो नेचर है वो क्या है, रियल है, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो नेचर हो गया इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। जो साइज है इमेज का वो क्या होगा, जो साइज ऑफ इमेज के बारे में जो क्वांटिटी हमें बताती है वो मैग्निफिकेशन से हमें पता लगेगा। और मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डेफ डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो यहां से एच डेफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एच डेफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू इंटू एच। वैल्यूज रख देते हैं, वी क्या है प्लस 60 सेंटीमीटर, यू कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर और एच की एच इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर, एच डैश इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। इट मींस जो इमेज का साइज है वो तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि एच डैश नेगेटिव है तो इमेज कहां होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बनेगी, नीचे बनेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस को शो करने के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये है कनकेव लेंस। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस। अब जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है, क्योंकि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को फैला देता है। तो यहां क्या है, ये रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस इनको ऐसे फैलाता है, लेकिन हम जब दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ये इस पॉइंट से होकर आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन इज, एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉलोड बाय मिरर एंड लेंसेज, ऑप्शन ए फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन बी फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन सी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, ऑप्शन डी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस इज नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन टू इज, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस एंड इज देन इंसिडेंट ऑन द लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथ ऑफ द लाइट बीम। एक लाइट रे है वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन फोर फिगर्स में से जो करेक्ट फिगर है वो क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, देन द पावर ऑफ द लेंस इज, ऑप्शन ए प्लस 4 डायोप्टर, ऑप्शन बी माइनस 4 डायोप्टर, ऑप्शन सी माइनस 0.4 डायोप्टर एंड ऑप्शन डी प्लस 0.4 डायोप्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर एन ऑप्टिकल डिवाइस इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, लाइट बीम एंटरिंग इनटू द बॉक्स एंड एमर्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स हैव आल्सो बीन शोन। द बॉक्स इज, एक बॉक्स दे रखा आपको
उसमें क्या है, जो लाइट रेज है उसमें एंटर कर रही है वो दैट रेज आर गिवन, एंड जो रेज उससे एमर्जिंग आउट हो रही है दैट रेज आर गिवन. यू हैव टू टेल दैट द बॉक्स इज, वो बॉक्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक कन्वेक्स लेंस की तरह, एक ग्लास स्लैब की तरह, या एक ग्लास प्रिज्म, या एक कनकेव लेंस. यू हैव टू चूज एनी वन फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. गिवन फोर स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ए कन्वेक्स लेंस हैज प्लस फोर डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ प्लस 0.25 मीटर. ऑप्शन बी, ए कन्वेक्स लेंस हैज माइनस फोर डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ माइनस 0.25 मीटर. ऑप्शन सी, ए कनकेव लेंस हैज ए प्लस फोर डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, एंड ए कनकेव लेंस हैज माइनस 4D पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय एन ऑप्टिकल डिवाइस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल. द डिवाइस मे बी, एक डिवाइस है जिससे जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा ही वर्चुअल होगी और साइज में छोटी भी होगी, तो वो डिवाइस क्या हो सकती है. ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी ए कनकेव मिरर, ऑप्शन सी ए ग्लास प्लेट, एंड ऑप्शन डी ए कनकेव लेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस 12 डायोप्टर एंड माइनस 2D आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ऑप्शन ए प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी प्लस 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी प्लस 16.6 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी प्लस 8.3 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए कनकेव लेंस ऑफ पावर माइनस 2 डायोप्टर. द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज, दो एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी पावर प्लस 4 है, और उसके कॉन्टेक्ट में एक कनकेव लेंस को लाया जाता है जिसकी पावर माइनस 2 डायोप्टर है. तो आपको पावर बतानी है दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की, क्या पावर होगी. ऑप्शन ए प्लस 6 डायोप्टर, ऑप्शन बी प्लस 2 डायोप्टर, ऑप्शन सी माइनस 2D, एंड ऑप्शन डी माइनस 6D. एंड इन दिस कंप्लीट यूनिट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप सारे के सारे डायग्राम्स को हाथ से बना के प्रैक्टिस करें, और रे डायग्राम बनाते हुए रेज स्ट्रेट हो, कुछ इन पॉइंट्स को ध्यान रखें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.